हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं हमारी क्लास में रूट एक्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना। कब? जब हमारे पास जो एक्स है वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर में हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर भी आ जाते हैं। एक जनरल तरीका देखते हैं पहले, उसके बाद एग्जाम्पल लेके इसको सॉल्व करेंगे। जनरलाइज में क्या होता है, हमें रूट एक्स को रिप्रेजेंट करना है हमारी नंबर लाइन पर, या ज्योमेट्रिकली जिसे हम कहते हैं, ज्योमेट्रिकली उसका मतलब जानना एक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें जो भी x दिया हुआ है, रूट x हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर, जो भी हमें x यूनिट दिया हुआ है उसको हम एक लाइन, उसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे x यूनिट की। मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम साथ में ले लेते हैं, अगर मैं साथ में सिखाना चाहूँ तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रूट, सपोज एग्जाम्पल है मेरे पास रूट 9.3। सपोज रूट 9.3 को मुझे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो इसका एक तरीका है, वो क्या है। सबसे पहले हम स्टेप वन जो होगा हमारा, स्टेप वन में ड्रॉ 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट, इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे जो कि 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये 9 बना और 1, 2, 3 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया हमारा, इसकी लेंथ है 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें क्या करना है, स्टेप टू की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप में ऐड वन मोर, एक सेंटीमीटर और जोड़ देंगे इसमें, वन यूनिट और जोड़ देंगे। इसको नाम देते चलेंगे साथ साथ हम, इसको ए नाम दिया और इसको नाम दे दिया हमने बी, इसको ए नाम दिया और इसको नाम दे दिया हमने बी। अब बी से हम वन यूनिट और बढ़ा देंगे, बी की साइड से हम वन यूनिट और बढ़ा देंगे और इसको नाम दे देंगे हम सी, ये वन है। उसके बाद इस पूरे का आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, यू मस्ट नो अबाउट दैट। कंपास खोलते हैं, मोर देन हाफ खोलते हैं, ऊपर नीचे आंख लगाते हैं, सेम खुली हुई कंपास को एक साइड अदर साइड पे रखते हैं, ऊपर नीचे आंख लगाते हैं, अगर आंख को नहीं काट रही है तो आंख को बढ़ा देते हैं, और ये होता है हमारा इसका मिड पॉइंट। ये है मिड पॉइंट इस लाइन का। ये है इस लाइन का मिड पॉइंट। ये हम क्या करना है, ये इस मिड पॉइंट को लेने के बाद, मतलब कि थर्ड स्टेप हुआ हमारा टेक मिड पॉइंट। उसके बाद मिड पॉइंट से होते हुए मिड पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ए या बी के बराबर खोलेंगे इसको, मिड पॉइंट पे कंपास रख के ए या बी के बराबर खोलेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे जो कि सी के पॉइंट से होता हुआ जाएगा, एक सेमी सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टेप फोर है ड्रॉ अ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस। रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस होगा AC/2। इस पूरे का रेडियस कितना होगा, इस पूरे का हाफ रेडियस होगा। उसके बाद पॉइंट बी से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इस सर्कल को डी पर काटेगा। परपेंडिकुलर के 90 डिग्री का एंगल चाहिए होते हैं, उसके लिए आप डी की हेल्प ले सकते हैं, आप कंपास से भी बना सकते हैं। इसको ज्वाइन करेंगे,
इसको ज्वाइन कर दिया। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये सेमी सर्कल को काट रहा है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी इंटरसेक्ट सर्कल, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सी इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी, इसको डी नाम दे देंगे। तो बी डी जो है हमारा, बी डी इज इक्वल टू रूट 9.3 सेंटीमीटर। जो बी डी आएगा हमारा वो रूट 9.3 के बराबर आएगा। ये जो लेंथ होगी हमारी, ये रूट 3 के बराबर होगी, रूट 9.3 के बराबर होगी, जो कि मेरी लगभग आ रही है 3.3 समथिंग के बराबर आ रही है। तो जो बी डी है हमारा, ये है हमारा रूट 9.3 के इक्वल, जो कि इसकी वैल्यू है। ऐसे ही अगर आपको कुछ और वैल्यूज निकालनी है, अब इसमें जो भी हमारे पास x होगा, हमें क्या करना है, x हमारे पास कुछ भी है, x यूनिट बनाने के बाद ये x बनाया ए बी, उसके बाद एक यूनिट और बढ़ा देंगे और बाकी का जो काम है वो हमारा यही रहेगा जो हमने किया है। जो हमने 9.3 के लिए किया है वो हम x यूनिट के लिए कर लेंगे। और हमारे पास जैसे रूट 9.3 आ गया है, ये जो मान है ये, ऐसे ही हमारे पास रूट x की वैल्यू आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।